दोस्तों, आज का जो सेटेलाइट मीटर है उसके आप कैसे सेट करेंगे मेनू उसको देखेंगे। तो इसका नंबर है SF720 Pro। तो इसमें 6 मेनू है। तो 6 मेनू के हमारे 3 काम में आएंगे, एक फाइंड और सेट और ट्रांसपोंडर सेटिंग। ये 3 मेनू हम दिखाएंगे। तो इसमें पहले सेटेलाइट को जो सेटिंग है उसे सेटेलाइट में सेट लिखा है उसमें जाएंगे, उसमें ऐड ट्रांसपोंडर करेंगे। ऐड ट्रांसपोंडर करने के बाद आपका फ्रीक्वेंसी देने के आएगा, और इसमें जो ऊपर करनी LNB फ्रीक्वेंसी है उसको आप यूनिवर्सल कर देंगे। तो यूनिवर्सल करने के बाद और इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे है जो सिग्नल का लैटिट्यूड वो आप सेट करेंगे, लेकिन वो करने से ना करने से कोई बात नहीं है। आपको यूनिवर्सल सिर्फ करना है, और ये करने के बाद आपको जो सैटेलाइट सेटिंग वो ओके हो गया, और एग्ज़िट करके सेव करके ओके कर देंगे। तो इसमें सैटेलाइट सेटिंग आपका हो गया। तो सैटेलाइट सेट होने के बाद आपको ट्रांसपोंडर सेटिंग करने के ट्रांसपोंडर सेटिंग करने के लिए आपको ट्रांसपोंडर का फ्रीक्वेंसी मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप नेट सर्च करके आप ट्रांसपोंडर का जो ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट ये दोनों आप फिलअप कर देंगे। तो ये फिलअप करने के बाद आपको एग्जिट बटन को दबाना है, उसके बाद ओके कर देना है, सेव करना है। तो ये गया आपका ट्रांसपोंडर सेटिंग। अभी आप चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए आपको अभी चेक करने के लिए हमें LNB को कनेक्ट करना पड़ेगा सैट मीटर से। तो सैट मीटर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो ऊपर का मेनू है, ऊपर का मेनू है आपको सैटेलाइट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर जो कोई भी है, टाटा स्काई है, टाटा स्काई में सिलेक्ट करना पड़ेगा सेट करके। तो यहाँ पर सेट करके आपको दिखाई दे रहा कि इसका सिग्नल आ गया। मेरा सिग्नल थोड़ा लो है यहाँ पर, क्योंकि इसलिए इसको 63% आ रहा है, लेकिन अगर सिग्नल अगर आपका सही हुआ तो 90 के ऊपर आएगा। तो ऐसे किया जाता है सेट फाइंडर का सेट।